अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजीहा रज़ा ख़ान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन कावा है जो कि नसला, ज़ुकाम, बुखार और सीने का जकड़ जाना उसमें बहुत मुफीद है। तमाम मर्द, औरत, बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। हमारे घर में सभी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो बाकी जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ करते रहें, लेकिन उसके साथ ये कावा भी पिएं तो आप बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह जो है आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अब जबकि ये मौसम बदलने वाला है तो उसमें ये कावा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलें इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएँ और रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएँ बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। सबसे पहले जो है आप इसमें 2 कप पानी ले लेंगे और 2 कप पानी को आपने अच्छी तरह से बॉयल करना है और उसमें आप अदरक के चंद स्लाइसेस डाल देंगे। अदरक जो है बहुत फ़ायदा मंद होती है नसला, ज़ुकाम, बुखार, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नसला बुखार में और खांसी में जो है बहुत फ़ायदा मंद होती है। अदरक के बाद जो है आप इसमें दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक्स जो है वो 2 या 3 शामिल करेंगे। और जो दालचीनी होती है उसमें कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक पाई जाती है और ये हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन और जो जरासीम होते हैं नज़ला ज़ुकाम के उसके ख़िलाफ़ ही लड़ती है। उसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची जो है हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके अलावा इसमें 6-7 दाने हम काली मिर्च के शामिल करेंगे जो कि नज़ला वग़ैरह और अगर गला ख़राब होगा तो ये उसको भी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से कुछ देर हल्की आंच पर इसको पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों के जो फ़ायदे हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। और इसमें आप चीनी शामिल करना चाहें तो चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें केमिकल्स काफ़ी कम होते हैं तो आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और बाद में मैं इसमें हनी भी ऐड करूँगी तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स कावे के जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप हल्की आंच पे पकाएं और ये कि तमाम चीज़ों का अर्क अच्छी तरह से निकल जाए। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें और अच्छी तरह से इसको पकने दें ताकि तमाम चीज़ों का अर्क सही से निकल जाए और फिर इसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये कावा तैयार हो जाए तो अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप ऐसे ही दे दें और अगर आप इसको ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं अक्सर इसको ग्रीन टी बैग के साथ जो है इस्तेमाल करती हूँ जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर इसमें चाहे तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड करूँगी, इससे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। तो ज़रूर इसको आप ट्राई करें, ये बहुत इंशाल्लाह आपको जो है फ़ायदा देगा। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।